व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। 11 नवंबर है आज, आज का दिन है संडे और संडे को हमारा स्टडी के साथ साथ में एंजॉयमेंट का भी दिन होता है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं हम लोग लेक्चर के तहत भी। यानी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी जो आपको हेल्दी रखने में काफी फायदा यहाँ पर पहुंचाने वाली है। यानी कि जो सेशन हमारा रहता है वो मिक्सचर रहता है, न्यूज के साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कवर किया जाता है, क्योंकि स्पेशल सेशन आप लोगों को संडे को देखने को यहाँ पर मिलता है जो कि वीक में ओनली संडे में ही आता है। तो इस पर हम लोग स्पेशल फोकस इस पर देकर चलेंगे। इसी के साथ में कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों का एक लिंक मेंटेन रखने में हेल्प करती है पूरे वीक का, और रिवीजन जरूर किया कीजिए इस दिन। पहले स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। नॉर्मली आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया साइट जो यूज करते हैं उसी के बेस पर यहां पर बोला गया है। अभी एक रिसर्च निकल के आई यहां पर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, यह बोला गया है कि जो भी यहां पर इस तरीके की जो भी यहाँ पर इस तरीके जो सोशल मीडिया हैंडल यूज कर रहा है उसमें आप लोगों को नॉर्मली डिप्रेशन और लोनलीनेस यानी कि अकेलापन और डिप्रेशन आप में बढ़ता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली आज की डेट में देखिए पहले क्या हुआ करते थे, अगर किससे मिलना है तो हम लोगों को जाना पड़ता था मिलने के लिए। आज की डेट में क्या करते हैं, ऑनलाइन यहाँ पर कॉल आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब कहने का यह है वीडियो कॉलिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा आना जाना तो लगभग ऐसा हो गया, पहले अगर मान लीजिए कहीं पर शादी विवाह भी हुआ करता था तो हाथों से जाकर चिट्ठियां देनी पड़ती थी घर पे जाकर। आज की में क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेते हैं और बोलते हैं कि भेज देते हैं पर कि व्हाट्सएप पे हमने इनवाइट कर दिया आ जाना। ये ऐसी ऐसी चीजें नॉर्मली जो देखने को मिल रही है जो लोगों के बीच में गैप आता हुआ इसकी वजह से जा रहा है। तो देखिए आज के डेट में फिजिकली लोग नहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पा रहे हैं, सोशल मीडिया की हेल्प से ही कांटेक्ट में आ रहे हैं, और सोशल मीडिया की हेल्प से जो कांटेक्ट में आता है वो देखिए एक जगह बैठा हुआ, एक ही रूम में बैठा हुआ बंदा सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी होता है अगर आउटडोर जाकर कोई काम नहीं करता है। कम से कम थोड़ी बहुत देर तो बाहर घूमना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन थोड़ा करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए, कम से कम लोगों के साथ में थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। तो कभी कभी थोड़ा ऐसा होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब यह है लाइफ में सब चीजें करनी चाहिए पर लेकिन एक दायरे में रहकर, एक लिमिटेशन में रहकर, यानी कि आउट ऑफ लिमिटेशन हो गए। आप लोग अगर कोई भी चीजें आउट ऑफ लिमिटेशन में जाकर करेंगे, भले ही एक्सरसाइज क्यों ना हो, भले ही खाना क्यों ना हो, अच्छी डाइट क्यों ना हो, अगर वो भी ज्यादा आप लोग लेंगे ना तो वो भी नुकसान करेगी हमारी बॉडी पर। तो कहने का मतलब यह है घुमा फिरा के कोई भी काम कीजिए, इतना कीजिए जितना ज्यादा जरूरी है। यानी कि सोशल मीडिया पर बैठे हो तो सोशल मीडिया पर ही बैठे हैं, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करना है तो लगाकर बैठिए कि हाँ मुझे 30 मिनट से ज्यादा है इस चीज को नहीं देना है, या फिर आप लोग जितना भी आप लोगों को टाइम सूटेबल लगे, अगर ऑनलाइन कुछ पढ़ना है तो आप लोगों के पास में रिमाइंडर होना चाहिए कि हाँ इस टाइम से ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप लोग अपने टाइम को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने आप को भी सही से आप लोग गाइड कर पाएंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ पर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन एक काफी खतरनाक लेवल पे आप लोगों को देखने को मिला, खासकर दीपावली थी 7th ऑफ नवंबर, 8th ऑफ नवंबर में यहाँ पर खतरनाक लेवल इतना था। अभी आप लोग देखिए एक मिनट, ये डेटा है कुछ ऐसी सिटीज का जो कि काफी बड़ी मानी जाती है, खासकर दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में। यहाँ पर पहले आप लोग ये देखिए, अगर गुड क्वालिटी का है तो 0 से 50 के बीच में इंडिकेटर रहेगा, सेटिस्फैक्टरी है 51 से 100 के बीच में रहेगा, मॉडरेट है 101 से 200 के बीच में रहेगा, पुअर है 200 से 300 के बीच में रहेगा, 201 से 300 के, वेरी पुअर 301 से 400 के, और सीवियर कंडीशन यहाँ पर 400 आप लोग देखते हैं यहाँ पर, यानी कि सीवियर कंडीशन में पहुंचा हुआ है अगर 400 की रेंज में आता है। आप लोग देखिए दिल्ली का, गाजियाबाद का, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया यहाँ पर फरीदाबाद और ये हो गया यहाँ पर ग्रेटर नोएडा। दो को अगर छोड़ दीजिए, गुरुग्राम और नोएडा को अगर आप लोग छोड़ दीजिए, तो चार जो एरिया है वो आप लोगों को आउट ऑफ कंट्रोल नजर आएंगे, यानी कि सीवियर की सिचुएशन में यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जो लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, बीमार लोग होंगे, उनकी क्या कंडीशन यहाँ पर होगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और जो ये सोर्स है ये ऐसा नहीं है कि इधर उधर से उठा लिया, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराई गई एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है निमोनिया। निमोनिया की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ होती है, खासकर हमारी कंट्री में ये देखने को मिला है यहाँ पर कि जो निमोनिया की वजह से डेथ होती है वो अगर आप लोग कंपेयर करेंगे जो दूसरी रीजन की वजह से डेथ होती है उससे भी कहीं ज्यादा डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बोला गया है कि 98% ऑफ चिल्ड्रन जो अंडर एज 5 है, जो कोज अगर इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे तो टॉक्सिक एयर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, यानी कि जहरीली हवा उनको सांस लेने के लिए मिलती है, जो कि 98% बच्चे जिनकी एज 5 साल से नीचे की है। तो समझ सकते हैं अब तक उनका सिस्टम भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और इस स्टार्टिंग से ही वो यहां पर एक तरीके से धुआं उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया बिना कोई सिगरेट पिए और भी कोई रीजन की वजह से, बिना किसी, इस तरीके से यहां पर एक काफी खतरनाक लेवल पर सिचुएशन आप लोगों को ऐसी क्रिएट होती नजर आती है जब यहां पर पॉल्यूशन इतने लार्ज स्केल पर होता है।
इसके होगा, इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए जो डेथ होती है यहाँ पर एक्यूट रेस्पिरेटरी यानी कि जो सांस की वजह से जो इन्फेक्शन की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बच्चों में खासकर जो 5 से एज के नीचे के बीच के हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मारे जाते हैं, लगभग 2400 बच्चे पर डे की बात की जा रही है। अब आप लोग यहाँ पर 365 दिन अगर नॉर्मल लगा के चले तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल पर यह डेथ पहुंचती हुई आप लोगों को नजर आएगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेगा ये यहाँ पर मतलब 5.6 मिलियन अंडर 5 की जो डेथ आप लोगों को देखने को मिली 2016 में, समझ सकते हैं आप लोग। जिनके अलावा यहाँ पर जो डेथ यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, यानी कि जो यहाँ पर बोला मैंने 5.6 मिलियन जो डेथ हो रही है यहाँ पर, इनमें से 880,000 जो बच्चे हैं 2016 में 16% जो लगभग देखने को मिलेगा वो इन्हीं सब चीजों का शिकार हुए हैं। मोस्टली क्या थे ये आप लोगों को लेस देन 2 ईयर यहाँ पर नजर आएंगे जो बच्चे मारे गए हैं, यानी कि उनका सिस्टम इस लेवल पर डेवलप नहीं हुआ था कि वो यहाँ पर इन सब चीजों को झेल सके, जो कि खासकर निमोनिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया की यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है कि अगर आप लोग एक एज ग्रुप की बात करते हैं पर्टिकुलर जो अगर देखेंगे यहाँ पर, तो एवरी मिनट मोर देन मलेरिया डायरिया या फिर मिजल्स जो इन बीमारियों से जो बच्चे मरते हैं उनसे ज्यादा यहां पर नमूनिया से आज के डेट में मर रहे हैं, यानी कि नमूनिया एक इतने खतरनाक लेवल की बीमारी हो चुकी है। अगर हम लोग दूसरी बीमारी के साथ में कंपेयर करें तो ये ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। 80% जो विक्टिम है उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, अगर आप लोगों की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, फीवर है, हमारी बॉडी की एक आप लोग बोल सकते हैं रक्षा कवच होता है जो कि कोई भी बीमारी होती है उसको ठीक करने का काम करता है। पर लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि इस रक्षा कवच को भेद कर देता है, यानी कि ये रक्षा कवच कमजोर हो जाता है और उसके बाद में हमारी बॉडी पर अटैक करता है जो भी बीमारी होती है और वो बॉडी को अपने चुंगुल में ले लेता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर 80% विक्टिम आप लोगों का इम्यून सिस्टम यहाँ पर कमजोर नजर आएगा। और किसकी वजह से, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ब्रेस्ट फीडिंग ढंग से नहीं हो पाती है बच्चों की और भी कई सारी सफाई वफाई ये सब चीजें भी आप लोगों को नॉर्मल एक क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कंट्री देखेंगे जहां पर टॉक्सिक एयर जहरीली हवा ज्यादा है, यूएन की माने अगर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से चलें अगर वहां पर, तो फोकस जो है यहां पर ये आप लोगों को बच्चों के ऊपर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो भी यहां पर टॉक्सिक एयर की वजह से ज्यादा जो डेथ हो रही है वो बच्चों की हो रही है, क्योंकि बच्चों का जो फंक्शन है वो सिस्टम बॉडी का उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है एज कम्पेयर टू जितना लार्ज स्केल का पोल्यूशन देखने को मिलता है। और खासकर जब मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने कब बताया आप लोगों को, ये बताया अभी 8 तारीख का, यानी कि दीपावली के जस्ट बाद में कंडीशन रही है, सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है, यानी कि एक तरीके से रहने लायक नहीं है ये सिटीज अगर ढंग से देखा जाए तो। पर लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, रह रहे हैं यहाँ पर आराम से फिर भी लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पर। अगर बात करें आगे यहाँ पर, ये और भी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है जो पुअर एरिया है खासकर उनके पास में, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर अमीर लोग हैं उनमें फिर भी प्रॉब्लम कम होती है पर जो गरीब लोग हैं उनको और भी ज्यादा झेलना पड़ता है। इसके अलावा हाउस होल्ड पॉल्यूशन फिर सोने पर सुहागा हो जाता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कम तो ही रहा है उस पर और भी ज्यादा यहाँ पर चढ़ बढ़ के आ गए, तो ये कंगाली में आटे गीले वाली बात हो गई यहाँ पर, यानी कि ऑलरेडी है बात ऑलरेडी यहाँ पर और भी नोटंकी हो गई है, यानी कि आप लोगों को आउटडोर पॉल्यूशन देखने को मिल ही रहा है, घरों में जो आज के में जो चूल्हे में जो चीजें जलाई जाती है उसकी वजह से भी जो बच्चे आसपास में उनके होते हैं उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया में रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिली है, कई सारी ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि सिलेंडर बांटे गए हैं अभी महिलाओं को, उससे काफी चीजें देखने को मिली, सोलर पैनल पर हम लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, सोलर सिस्टम एनर्जी का टारगेट हम लोगों ने रख रखा है 2022 तक, तो ऐसे बहुत सारे हमारे द्वारा स्टेप उठाए गए जिससे ये लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है हमारा विजन है 2030 का, हम उसको अचीव करते हुए एक सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि काम किया जा रहा है पर फिर भी अप टू द मार्क आप लोगों को चीजें ऐसी नहीं देख रही है कि आप लोग बोल सके हाँ बस हो गया यही चाहिए था। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है ग्राउंड टेबल की, यानी कि जो ग्राउंड लेवल होता है वाटर का उसके बारे में बात की जा रही है, वो घटता हुआ जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर एक काउंट करेंगे कितना पानी इरिगेशन के लिए निकाला जाता है हमारी कंट्री में, तो पर ईयर 230 बिलियन मीटर क्यूबिक वाटर पानी निकाला जाता है ग्राउंड से, इतना ह्यूज पानी बिलियन की बात की जा रही है, मिलियन की नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा पानी निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर से, और उसके बाद में फिर आप लोग समझ सकते हैं कैसी रेन हो रही है पर्टिकुलर एरिया में। अगर पानी तो हर जगह निकाला जाएगा एग्रीकल्चर जहां पर हो रही है, पर बारिश यहां पर सब जगह नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से जो पानी का जो लेवल है वो काफी नीचे हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है। एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि रेंज जो है यहां पर ये 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूबिक के हिसाब से यहां पर देखने को मिल रहा है एस्टिमेशन, ठीक है। और बाकी ऑल ओवर आप लोगों को दिखाई दे यहाँ पर ये इतना है। अगर बात करें यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया हो गया, सेंट्रल या फिर वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये मोस्ट इंटेंसिव आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी ज्यादा होती है यहाँ पर, खासकर एग्रीकल्चर का ज्यादा एरिया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसीलिए ये एरिया में आप लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया या फिर इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है यहाँ पर, ये नजर आएंगे 90% ऑफ एरिया इरिगेटेड यूजिंग ग्राउंड वाटर की उससे किया जाता है, यानी कि नहर में से जो पानी आता है उससे ज्यादा जो पानी यूज किया जाता है
इरीगेशन के लिए वो ग्राउंड वाटर यानी कि ट्यूबवेल वगैरह यूज की जाती है, तो उसकी वजह से भी काफी खतरनाक लेवल की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि बारिश इतनी नहीं होती है कि उसको ढंग से टेबल को रिचार्ज किया जा सके, तो ये भी कंडीशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये यहाँ पर एक इक्विपमेंट है जो कि नॉर्मली ये यूज किया जाता है कि क्या यहाँ पर किस तरीके से कितना मॉइस्चर है यहाँ पर सोयल के अंदर में उसको काउंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम है यहाँ पर टेंसियोमीटर। तो इसका नाम याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या इक्विपमेंट है और किस लिए यूज किया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने और प्रॉब्लम को यूज कर ही आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं तो कैसा रहेगा, उदाहरण के तौर पर बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चिल्लाते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काफी खतरनाक हो रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो ओशन है और जो खासकर ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, जनता पर इंपैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ही देखें, नॉर्मली क्या होता है ईंधन यूज करते हैं और ईंधन यूज करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ही बना के हम लोग ईंधन की तरीके से यूज करें और ऑक्सीजन बाहर निकल के आए तो कैसा रहेगा, तो इसी तरीके की बात की जा रही है। अब कुछ ऐसे इक्विपमेंट यहां पर डिस्कवर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसर्चर के बेस पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे और फिर यहां पर हाइड्रोकार्बन और यहां पर ऑक्सीजनेट जो बाहर निकल के आएगी, यानी कि एक तरीके से जो नेगेटिव चीज है उसको यूज किया जा रहा है एज ए ईंधन के तौर पर। यह किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, बोला गया ऐसी डिवाइस यहां पर डेवलप कर ली गई है जो कि ग्रीन हाउस कंट्रोल कर, जिन ग्रीन हाउस गैस है उसको कंट्रोल करने का काम करने वाली है, यानी कि एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर आगे चल के यूज किया जाएगा स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। चैलेंज कई सारे रह रहे हैं क्योंकि ये डिवाइस जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए काम कर पा रही है। अब अगर मान लीजिए लंबे समय तक काम करना है तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, तो नॉर्मली 50 आर के लिए काम करिए पर थाउजेंड्स ऑफ आर के लिए काम करना है तो कैसे, तो अभी यहां पर कई सारे चैलेंज ऐसे हैं जिससे कि इसको और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले टाइम में भविष्य अच्छा होने वाला है अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में चलती रही तो ये एक इंटरेस्टिंग आप लोग डिस्कवरी बोल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी है क्योंकि हमारे एनवायरमेंट पर काफी अच्छे से पॉजिटिवली इंपैक्ट डालने वाली है फ्यूचर में। नेक्स्ट यहाँ पर एक अलग से लिंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि अल्जाइमर, जो कि आप लोगों को नॉर्मली दिमाग की बीमारी देखने को मिलती है, इसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि जो हार्ट की बीमारी होती है, यानी कि नॉर्मली एक दूसरे को ये पेशेंट्स को ये चीजें देखने को मिलेगी। अगर किसी को डिजीज है यहाँ पर हार्ट की कोई इस तरीके की डिजीज है तो अल्जाइमर भी होने के चांसेस उसको आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर अल्जाइमर एक स्पेशल फॉर्म है डिमेंशिया की, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बीमारी कुछ ऐसी है यहाँ पर अगर अल्जाइमर की बात करें, जिस तरीके से मान लीजिए आप लोग कोई फोटो दिखाई गई है तो उस फोटो में कौन कौन बैठा है फैमिली मेंबर उसको आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, चीजें भूलते हुए नजर आएंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे, कई सारे काम करते हो आप लोग, तो इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। और डिमेंशिया यहां पर खासकर बीमारी होती है दिमाग की, अगर माइंड की बात करें तो यहां पर, तो ये कुछ आइडिया है आप लोग इसके बारे में जरूर रखेगा। और ये तो दिल की हो गई, जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो गए और भी कई सारी बीमारी यहां पर जो हार्ट से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आर्टिक की बात की जा रही है, आर्टिक ओशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है नॉर्थ पोल पर, तो नॉर्थ पोल पर यहाँ पर बोला जाए आर्टिक रिस्क। नॉर्मली बोला जा रहा है कि देखिए जो प्रेडिशन जो रेशियो होता है यहाँ पर, जो रेट है यहाँ पर, खासकर जो शिकार करने का यहाँ पर नॉर्मली क्या होते हैं, जो भी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट होकर ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उनके बच्चों का शिकार नहीं किया जा सके, तो पोल रीजन में काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। पर लेकिन फंडामेंटली अब यहाँ पर पैटर्न जो है होता है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रीडिशन जो यहाँ पर जो होता था, जो नॉर्मली आप लोग कम देखने को मिलता था, वहां पर भी चीजें बढ़ती नजर आ रही है, कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वहां पर भी आज के डेट में पक्षियों को, और खासकर क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हल्का सा एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात की जा रही है एम्स के द्वारा, अभी यहाँ पर डेवलप किया गया एक सेंसिटिव स्टेप, जिससे जो फेफड़े होते हैं या फिर फेफड़ों का जो पर्दा होता है, यहाँ पर ये वाला देखिए जो फेफड़ों का ये तो गया फेफड़ा, और जो इसके बाहर वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पर्दा होता है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, तो ये वाले की बात की जा रही है, इससे संबंधित जो टीबी होती है, जो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, काफी खतरनाक बीमारी होती है, तो यहाँ पर एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया गया है जो अब इसको डायग्नोसिस करने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है आने वाले टाइम में पॉजिटिव साइड यहाँ पर टीबी से रिलेटेड देखने को मिलेगी, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती थी मल्टी डायमेंशनल टीम के द्वारा यहाँ पर मिलकर इसके ऊपर काम किया गया, और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीजों को आगे आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो काफी एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया गया एक ऐसा फैब्रिक जिसको स्टोर किया जा सकता है उसके अंदर एनर्जी को, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर चार्ज को यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है ये पर्टिकुलर फैब्रिक के अंदर। इससे क्या रहेगा, बॉडी को भी यहाँ पर देख रेख किया जा सकता है, जैसे हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है, इंसान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम रह रही है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है और भी कई सारी बीमारी है, तो ये काम किया गया यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा, कहाँ कर, यूएसए की यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स। ठीक है, तो इसके द्वारा जिसको आप लोग MIT बोलते हैं, तो इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये काम किया गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीज डेवलप की जा रही है, तो एक तरीके से अगर
साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखें तो आने वाले टाइम पर पॉजिटिविटी काफी है। जो प्रॉब्लम आज के दिन में उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, जितनी प्रॉब्लम बढ़ रही है उतनी सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अगर चीजें इसी तरीके से पैटर्न में बढ़ती रही तो अच्छी बात है। नॉर्मली बात की जाती है जो मछलियाँ होती हैं वो आप लोगों को जैसे टिड्ढे वगैरह हो गया, कोई ऐसे कीट पतंगे हुए, वो नॉर्मली खाती हुई नहीं पाई जाती हैं, पर लेकिन अब ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि बिहेवियर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो फिश भी आप लोगों को इस तरह की चीज़ें खाती हुई नजर आएंगी। नॉर्मली मेंढक आप लोगों ने देखा होगा, लिजार्ड वगैरह देखा होगा, जो भी छिपकलियाँ वगैरह हैं उस कैटेगरी की चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, वो क्या करते हैं, जैसे बल्ब जलता है ना घर में तो बल्ब के आसपास में कीट पतंगे आ जाते हैं, फिर जो छिपकली आ जाती है उसको खाने के लिए, तो वो इस पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन अब ये पैटर्न आप लोगों को छिपकली उसमें मछलियों में भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से यहां पर बातें बोली जा रही है। ठीक है, तो ये रिसर्च जो की गई है ये बेंगलुरु में की गई है, इसका आइडिया आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन यही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। तो पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नॉर्मली क्या माना जाता था कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड आया करती थी यहां पर उसके लिए सेफ माना जाता था, पर अब यहां पर कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक तो पीएच की वैल्यू की वजह से और सैलिनिटी की वजह से, यानी कि जो भी पानी का लेवल है वो यहां पर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो भी यहां पर बर्ड्स वगैरह आया करते थे, जो खाना पीना उनका हुआ करता था या फिर जो भी काम यहां पर एक्टिविटी की जा सकती थी, उसकी वजह से यहां पर इसको खतरनाक लेवल की कैटेगरी में रख दिया गया है। ये एक सेंसिटिव जोन यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि अब यहां पर इस तरीके अगर कोई यहां पर फीड करने के लिए आता है पानी के अनसेफ वाटर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये लोकल रिसर्चर और इसके साथ में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और यूनिवर्सिटी जो यहां पर यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए की है, उसके द्वारा यहां पर बोला गया है कंपेयर करके कि अब यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, खासकर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इनके एग्स हैं यानी कि जो अंडे देते थे उन पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि टेम्परेचर आप लोगों को समझ सकते हैं कहां कहां पर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, जो कि खतरनाक लेवल की सिचुएशन क्रिएट यहां पर कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम यहां पर फेस करने को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, स्नेक बोट रेस के बारे में बात की जा रही है। ये इसका 66वां यानी कि 66 एडिशन है, जो कि आप लोग कहां पर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है आप लोगों को केरला में। ठीक है, केरला में आप लोगों को याद रखिएगा लेक का नाम भी, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहां पर क्योंकि अभी आप लोग केरला में बाढ़ भी देखने को मिली। तो यहां पर यह पुनामाडा लेक केरला में आप लोगों को अलप्पुहा, यहाँ पर ये केरला में एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 66वां एडिशन है। नॉर्मली मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी बागी मूवी, ठीक है, तो बागी मूवी में भी यहाँ पर यही था, कुछ इस तरीके का रेस आप लोगों को वहां पर दिखाया गया था। तो देखिए मूवीज वगैरह भी देखा गया तो ध्यान से देखा कीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके किस पर्टिकुलर एरिया की बात वहां पर हो रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है श्रीलंका में अपोजिशन ने बोला है, जो यहां पर डिसॉल्व किया गया है यहां पर असेंबली को, उसको चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो सही किया गया है गलत किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको यहां पर देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद में पता चलेगा कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत बात हुई है। नेक्स्ट यहां पर रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिले यहां पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसको आईईडी बोला जाता है। ये अभी हम लोगों ने भी देखा था कि यहां पर काफी खतरनाक लेवल की सिचुएशन, खासकर छत्तीसगढ़ वाले रीजन में दंतावाड़ा आप लोगों को देखने को मिला, वहां पर कई सारे इस तरीके एक्टिविटी की जा रही है। 100% से ज्यादा ये ऐसे यूज होते हुए दिख रहे हैं 2013 में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम से लेकर आज की डेट में 2016 में अगर हम लोग बैठते हैं तो यहां पर जो केस 2018 में अगर देखते हैं तो केसेस जो है काफी डबल हो चुके हैं, यानी कि 116 केस हो चुके हैं अब तक का, और अभी कहां है, नवंबर में है, अभी तो टाइम अभी बचा हुआ है, अभी 2 महीने लगभग आप लोग बोल सकते हैं, फिर 1.5 महीना, क्योंकि 57 केस यहां पर थे उस टाइम पर, तो 100% से लगभग आप लोग यहां पर देखते हैं इंक्रीमेंट हो गया यहां पर, जो कि इस तरीके एक्टिविटी हो रही थी, तो खतरनाक एक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एप्पल के बारे में। सेब जो नॉर्मली आप लोग खाते हैं ये जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में काफी देखने को मिलते हैं, खासकर कश्मीर वाले रीजन में। तो साउथ कश्मीर में मैंने आप लोग कई सारी पिक्चर दिखाई थी जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ रही है लोगों को। उसकी वजह से बोला जा रहा है लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है, ये इतना अब तक का नुकसान हो चुका है, यानी कि अब तक का काफी नुकसान यहां पर हो चुका है। और अगर यहां पर अब की बार की प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी काफी कम आप लोग यहां पर नजर आएगा अगर पहले के कंपेयर में चल रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर यह है 14 का, यह है 15 का और यह है 16 का। ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा अच्छा खासा कब देखने को मिला यहां पर, ये देखिए, ये यहां पर आप लोग देखते हैं, ये अब की बार यहां पर 16 में कुछ कम देखने को मिला। तो कई सारी प्रॉब्लम यहां पर किसानों को फेस करनी पड़ती है, तो ये भी एक कंडीशन है यहां पर। तो साउथ कश्मीर की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा ये आप लोग आइडिया रखेगा हल्का सा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इसरो के द्वारा यहाँ पर इनवाइट किया गया है कि यहाँ पर जो वीनस के लिए, एक बार यहाँ पर आप लोग देखिए कहाँ पर है ये है यहाँ पर वीनस, ठीक है, हमारी पृथ्वी यहाँ पर होगी, पहले मार्स पर भेजे हैं, अभी वीनस पर बात चल रही है, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए बात की जा रही है, इन्वाइट किया गया किस तरीके से आगे इनमें वर्क किया जा सकता है मिलकर आगे आने वाले टाइम में। तो फॉरनर जो है उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर आइडिया एक्सचेंज किए जाए, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज है या फिर रिसर्चर है उनके साथ मिलकर काम किया जाए इस पर काम करने के लिए, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे यहां पर आप लोगों के सामने ये है हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन और वेयर। तो ये पांच इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये यहां पर आसिया बीबी है, काफी न्यूज में थी ब्लास्फेमी की वजह से, क्योंकि रिलीजन के ऊपर कमेंट करने की वजह से न्यूज में थी। श्रीलंका में क्राइसिस आप लोग देख ही चुके हैं क्या कंडीशन बनी हुई है। पोलियो वैक्सीन के ऊपर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, जिसमें बोला जाता है कि पोलियो की वैक्सीन की वजह से यहां पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जो दवाई यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी कई सारे केस निकल कर आए हैं क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये यहां पर बात की जा रही है 7 नवंबर को दीपावली थी, 8 नवंबर को जो पॉल्यूशन लेवल था उसकी यहां पर स्टोरी कवर की गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है आसाम में फिर से यहां पर लड़ाई देखने को मिली, जो खासकर जो बात की जा रही है सिटीजन जो बिल है वहां पर उसको लेकर, कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको आसपास वाली कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर जो बांग्लादेश से आने के लिए अलाउ करने की बात की जा रही है, और नेशनल रजिस्टर्ड फोर्स ऑफ सिटीजन वो यहां पर न्यूज में है ही है, तो उसकी वजह से आसाम काफी न्यूज में था, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन को बोला गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और ज्यादा डिफेंस में आप लोग पे कीजिए और ज्यादा रोल प्ले कीजिए। जो यहां पर जो जर्नलिस्ट थे कसोगी, उनकी जो डेथ की गई एसिड से जलाने के बाद में, फिर उनके जो भी रिमेन्स बचे थे उनको ड्रेन कर दिया गया, यानी कि उनको अस्त व्यस्त कर दिया गया इधर उधर, जिससे कि कुछ भी नहीं मिले। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसकी, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बारे में बोला गया है राजन जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, कि काफी खतरनाक लेवल का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे इसके द्वारा डाला गया है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वॉर मेमोरियल आप लोगों जो वर्ल्ड वॉर का था ये देखने को मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल कहां पर, ये फ्रांस में देखने को मिला, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कंट्री के जो जवान थे जिनके द्वारा लड़ा गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो ये वॉर मेमोरियल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिला, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये बीच में कौन पर्सनैलिटी बैठे हुए, छोटा सा ये बच्चा है यहाँ पर, चेस का चैंपियन है, इसका नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन पर लेकिन शानदार डिस्कशन। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो शेयर जरूर किया कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। इसके अलावा पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।